यहाँ मजार है, ए मजार है और ए शिवलिंग है, जहाँ शिवलिंग से लगातार बेलपत्र पुजारी के द्वारा हटाया जा रहा है। देखिए पूरे देश के लोग अब यहाँ आने लगे हैं और यहाँ पर 3 बजे भोर से जल चल रहा है। विश्व का एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जहाँ पर एक छत के नीचे गर्भगृह में मजार और शिवलिंग है। मुस्लिम लोग ले जाते हैं, मुस्लिम लोगों का कहनाम है या हम लोग महिला का पूजा नहीं करते। मौजूद हूँ बिहार के समस्तीपुर जिले में और यहाँ एक ही मंदिर में, मंदिर जो देख रहे हैं, एक ही मंदिर के अंदर मजार और शिवलिंग दोनों है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि एक ही जगह जो ईसाई लोगों को दिखाई है, यहाँ पर ये मजार है और वहाँ पर जो शिवलिंग है, जैसा दिखाइएगा ये मजार हो गया और वहाँ पर शिवलिंग है। आप लोग मजार को भी जल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? धारणा है यहाँ की, ऐसी मानना है कि जो भोला बाबा को जल चढ़ाएंगे उनको भी जल चढ़ाएंगे और जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। यानी भोला बाबा से पहले इनको चढ़ाते हैं कि बाद में? दोनों को, जैसे जो अभी ज्यादा भीड़ है इसके लिए ज्यादा पहले लोग चढ़ाते हैं, बाद में चढ़ता है भोला बाबा के बाद इनको जल चढ़ता है। मनोकामना पूरा होता है? हाँ हाँ हाँ। आइए उनको चढ़ाइएगा तो नहीं होगा? नहीं होता, ऐसा मानना है, धारणा है और इन्हीं के नाम से खुदनेश्वर महादेव का नाम ही पड़ा है। ये खुदनी बीबी की मजार है। किसका मजार है? खुदनी बीबी, खुदनी बीबी, खुदनी बीबी का, इसी के नाम पर मंदिर के नाम पड़ा। हाँ, खुदनेश्वर महादेव, महादेव मंदिर का नाम है, खुदनेश्वर महादेव स्थानीय मंदिर का नाम। चलिए यहाँ का जो समाज सेवी है उनसे भी बात करते हैं, जरा से इधर आइए। शिव मंदिर 25 से 28 वर्ष पूर्व से है। यहाँ पर मजार और शिवलिंग एक छत के नीचे गर्भगृह में पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। जो शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा में, तो आम तौर पर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करते हैं और ये जो मजार है तो फिर इसको हिंदू क्यों पूजा करते हैं? यहाँ पर कोई आज 25 वर्ष से भी यहाँ पर कोई ये तरह का झंझट विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक सूत्र में बंध कर शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा का सहयोग करते हैं। यहाँ मुस्लिम भी आते हैं क्या? मुस्लिम लोग नहीं आते हैं, मुस्लिम लोगों का कहनाम है या हम लोग महिला का पूजा नहीं करते। मुस्लिम लोग महिला का पूजा नहीं करते, इसलिए मुस्लिम में महिलाओं का कोई वैल्यू नहीं? नहीं नहीं, इसीलिए ना नहीं वो लोग पूजा नहीं करते हैं। लेकिन अपने हिंदू में है जो मुस्लिम को भी वैल्यू उतना ही दिया जितना? हाँ, हमारे हिंदू में जितना हम लोग हिंदू महिला का माने सम्मान इज्जत करते हैं उतना ही मुसलमान महिलाओं को भी होना चाहिए सम्मान इज्जत। अच्छा, इसका इतिहास क्या है? इतिहास यह है जो यहाँ मंदिर जो है ना हजारों हजार वर्ष पहले से है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए हुए और एक अकृत बाबा है, इनको कोई स्थापना नहीं किया है, अपने आप प्रकट हुए, अपने आप प्रकट हुए। खुदनी बीबी मुस्लिम महिला के द्वारा यहाँ पर वो गाय चराने आती थी खुदनी बीबी, और जब रात्रि करके शाम करके घर जाती थी ना तो गाय का सारा दूध उस पर गिर जाता था बाबा प्रतिदिन। मुस्लिम महिला के द्वारा बाबा का पता चला, ये बाबा साक्षात है। अच्छा, तो खुदनी बीबी के नाम से ही खुदनेश्वर महाराज का मंदिर पड़ा है? जी जी, खुदनी बीबी के नाम पर खुदनेश्वर धाम शिव मंदिर, शिव मंदिर खुदनेश्वर धाम मोरवा है और विश्व का, भारत में विश्व का एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जहाँ पर एक मंदिर के एक छत के नीचे गर्भगृह में मजार और शिवलिंग है, वो पूरे दुनिया में कहीं है, कहीं कहीं, इसलिए यह पूरे विश्व के लिए एक विशाल जगह है। लेकिन पूरा हिंदू मिलकर उसको पूजा करता है, जल ढारी मुसलमान लोग, मुसलमान यहाँ जो है खुदनी का भी पूजा हिंदू लोग करते हैं और बाबा का भी समान पूजा।
अच्छा, अगर खुदनी दीदी का पूजा नहीं करेंगे तो क्या बाबा का हम पूजा करेंगे तो फल नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने दोनों का पूजा करना अनिवार्य है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ इंद्रदेव शर्मा। हम शिव मंदिर खुदेश्वर धाम न्यास समिति बोरबा के अध्यक्ष हुए। चलिए, यहाँ के अध्यक्ष साहब थे और आप देखिए लगातार खुदनी बीबी के मजार में लोग जल ढाल रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं। क्या बात, आप लोग एक महिला नर मुस्लिम को पूजा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हैं? यही के वासी हैं। यही के हैं, लेकिन मुस्लिम महिला का पूजा कर रहे हैं। हाँ, हम खाते हैं। तो आपको दिखा दे, जरा सा इधर से दिखाइए। यहाँ मजार है, ये मजार है और ये शिवलिंग है, जहाँ शिवलिंग से लगातार बेलपत्र पुजारी के द्वारा हटाया जा रहा है। देखिए, जितना लोग बेलपत्र डाल रहा है इनके द्वारा हटाया जा रहा है। मतलब इसमें पानी हमेशा रहता है कि हर जाता है? नहीं, इसमें पानी हमेशा नहीं, इसमें जो है ना पाइप लगा हुआ है। आज के दिन जो है पाइप जो है ना पाइप दिया गया है कि जल जो है निकासी हो जाएगा, जल जो है इसमें बराबर नहीं रहता है। आप देख रहे हैं लगातार बेलपत्र हटा रहे हैं। आज नहीं निकालेंगे बेलपत्र तो फिर भर जाएगा। ये शिवलिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, शिवलिंग दिखाई पड़ना चाहिए। लोग जो जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसमें जो है वो शिवलिंग का दिखाई पड़ना चाहिए। अच्छा, लगभग कितने लोग दर्शन करके चले गए? हमको लगता है कि 1 लाख से ऊपर चले गए होंगे। अभी तक कल भी इतना ही भीड़ था? कल इससे ज्यादा था, आज भी उससे ज्यादा भीड़ रहेगा। अभी तो चालू ही हुआ है, मतलब शाम तक जलधारी होते रहे। हाँ, शाम तक जल रहे, 5 बजे तक। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यार? बहुत दूर से। ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों का पूजा। हाँ हाँ, बस यही है, विश्व में यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। विश्व में ऐसा ही है जो कि शिवलिंग और बाबा खुदनी जी का जो है मजार है, इसके अलावा और कहीं नहीं है मंदिर में, यही मंदिर में है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार दूध का अभिषेक चल रहा है, शिवलिंग पर दूध का अभिषेक चल रहा है यहाँ। और यहाँ पर जो बाजार पर जो जल भी जल चल रहा है और यहाँ भी दूध चल रहा है और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक लगभग 2 लाख आदमी जल चढ़ाएंगे। 2 लाख जी, सवेरे 5 बजे से जल चला है और शाम तक जल चढ़ेगा। 2 लाख कल भी देर से 2 लाख आदमी जल चढ़ाए। हर दिन इतना आदमी कहाँ से आता है? आज देखिए रहे हैं, हर दिन चढ़ेगा तो पूरे देश के लोग अब यहाँ आने लगे हैं। और यहाँ पर 3 बजे भोर से जल चला है, 3 बजे तक, और कम से कम 2 लाख आदमी जल चढ़ाएंगे यार। 2 लाख कम से कम। अच्छा, यहाँ मजार है, शिवलिंग एक जगह है, इसीलिए ज्यादा लोग आता है? जी जी, ऐतिहासिक जगह है सर, ऐसा जगह विश्व में कहीं नहीं है, इसीलिए अब लोग, क्योंकि यह देहात का है, यहाँ पर बाजार है, शिवलिंग है, शिव गंगा आपके पोखर है, सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक करता है? हाँ, चंदा से काम होता है, सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी पार्टी के लोग इस मंदिर पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई पार्टी के लोग नहीं। जितना भी देख रहे हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर है, भगवती माता का मंदिर है, शंकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शनि देवता का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। कोई सरकार लोग कोई ध्यान नहीं, जो है सब पब्लिक से चंदा से हो रहा है, सब चंदा सुलाता उसी से सब चलता है। जी, चंदा सुलाता उसे चलता। हाँ, यहाँ पर साल में शादी विवाह के लिए प्रसिद्ध जगह है, बाबा के दरबार में शादी विवाह मुंडन जनाऊ सब होता है। बगल में शिव गंगा तालाब है, वह खंडहर बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी आए थे 11 में, कुछ पैसा दिए, आधा बना और आधा खंडहर बना हुआ है। न कोई धर्मशाला है, न बाउंड्री भी नहीं है। मंदिर के 14 एकड़ प्लॉट में यह मंदिर है,
लेकिन यहाँ पर शहर दिवाली नहीं है, न कोई धर्मशाला है, न गेस्ट हाउस है, न कोई श्रद्धालु को ठहरने का कोई व्यवस्था है। देखिए इतना ऐतिहासिक मंदिर है जो एक ही मंदिर के अंदर एक ही देख चारों तरफ दिखाइए एक ही मंदिर है, छोटा सा रूम है, उसी में एक साइड में मजार है और एक साइड में शिवलिंग है, दोनों एक ही जगह है। ऐतिहासिक स्थल होते हुए भी सरकार का इस पर नजर नहीं है, पब्लिक चंदा लगा करके इस मंदिर का जो देखभाल करता है तब जाकर के इस मंदिर का सब कुछ कार्य हो पाता है। देखिए तो नहीं लाखों लोगों की भीड़ है, जब से आए हैं देखिए भीड़ पर भीड़ है, भीड़ कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार लगभग एक घंटे से हम लोग हैं कि भीड़ कमेगा लेकिन भीड़ नहीं कम रहा है। देखिए भीड़ लगातार बढ़ते जा रहा है, जितना मजार पर और उतना ही शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है। दर्शकों आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।